अस्सलाम वालेकुम, मैं हुरमल और आज मैं आई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर, मेकअप ऑर्गेनाइज़र और स्टेशनरी ऑर्गेनाइज़र। इसके लिए मुझे चाहिए 3 डब्बे। ये डब्बे जो हैं मेरे पास ड्रिप्स के डब्बे हैं, और इस सब के लिए चाहिए मुझे कंप्यूटर पेपर डिफरेंट कलर्स के, और स्कॉच टेप चाहिए मुझे, सीज़र और कटर चाहिए, स्केल, मार्कर। अब मैं इसको निशान लगाऊंगी और डिफरेंट साइज़ में ये डब्बे जो है कट करूंगी। बेला को देख सकते हैं हर काम में आगे आगे होती है। हेयर यहाँ पे मैंने निशान लगा लिए हैं जिस जिस साइज़ के मुझे डब्बे चाहिए। अब इनके मैं चारों तरफ ऐसे निशान लगाऊंगी और सारे निशान ध्यान रखिए कि इक्वल होने चाहिए। निशान लगाने के बाद इनको मैं कटर से कट कर लूँगी। तो जो डब्बे अब हमारे हो जाएंगे कट, उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने ऐसे कट किए हैं, और जो ऊपर से इनकी मुंडियाँ बची हैं मैंने उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी मैं यूज़ में लेके आऊँगी, ज़ाया क्यों जाए कोई चीज़। इसी तरह ही अब मैं इनके ऊपर कंप्यूटर पेपर छोड़ूंगी। अब कंप्यूटर पेपर पूरा नहीं हो रहा था तो मैंने इसका भी जुगाड़ निकाल लिया। पहले मैंने कहा मैं इनके मिडल में डिफरेंट कलर का लगा के तो एक डिज़ाइन बना लूँगी, मतलब डिज़ाइन ही बन जाएगा तो अच्छा होगा ना, बुरा नहीं लगेगा। इसी तरह मैंने तीनों डब्बों को डिफरेंट कलर्स के कंप्यूटर पेपर के साथ रैप कर लिया था, और जो दरमियान में जगह बनी थी उसके ऊपर मैंने डिफरेंट कलर का कंप्यूटर पेपर लगा के तो उसको कर लिया था, कवर कर लिया था। अब मैंने UHU की मदद से इन सबको आपस में स्टिक कर दिया था। अब ये देखें ऐसे मैंने सेकेंड को किया, और ये अब मैं थर्ड वाला कर रही हूँ, UHU लगा रही हूँ, और UHU लगाने के बाद इसको स्टिक करके मैं 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये ड्राई हो जाए और अच्छी तरह अपनी जगह पकड़ लें ऐसे। अब ये करने के बाद जो इनकी मुंडियाँ बची थी उनके साथ भी मैंने ये कुछ किया, और ऐसे करके इनको मैंने जोड़ लिया, और उसके बाद मैंने इनके ऊपर बीड्स वगैरह लगा के इनकी डेकोरेशन कर ली थी। अब देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और अब इसको मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं स्टेशनरी किस पर डालूँ और अपना मेकअप किस में, तो डिसाइड ही हुआ कि छोटे वाले में मैं स्टेशनरी डालूँगी और बड़े वाले में अपनी मेकअप की चीज़ें डालूँगी। ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी थोड़ी सी मेहनत बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू सो मच।